नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक सबसे सेफ तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का और वेल्थ क्रिएट करने का। देखिए, सबसे सेफ तरीका की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड भी आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि म्यूचुअल फंड आपका परफॉर्म नहीं कर पाए, हो सकता है कि वो बेंचमार्क को बीट ना कर पाए। तो क्यों ना हम बेंचमार्क इंडेक्स जो है उसी को सेलेक्ट कर ले। तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड होता है कि हम इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर ले, लेकिन उसमें भी आता है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाए। जब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स से भी कम होगा। तो जब हमारा इंडेक्स जिस रेट से आगे बढ़ेगा उससे भी कम रिटर्न मिलेगा, तो फिर हमें म्यूचुअल फंड में लगाने का बेनिफिट क्या हुआ। तो क्यों ना हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें बेंचमार्क इंडेक्स के साथ साथ बेहतर रिटर्न देगा। तो उस तरह के रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ETF में। तो देखिए, निफ्टी 50 के ETF में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ETF है वो है निप्पॉन इंडिया के ETF। साथ ही साथ और कई सारे ETF है, आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन निप्पॉन इंडिया सबसे बेहतर होगा कि आप इस निप्पॉन इंडिया के ETF के साथ जाएं। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया ETF का, तो करंट जो NAV है 189.82 रुपीज है। और बात करें अगर इसके रिटर्न का, तो देखिए मैक्सिमम ईयर में रिटर्न की बात करें तो यहां पर 2002 से अभी तक में रिटर्न तो 1600% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, 1600% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है इस ETF ने। अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो उस पर 1,600,000 का प्रॉफिट प्राप्त होता। तो इस तरह से आपका कुल रिटर्न होता 1,00,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे टोटल अमाउंट 1,700,000 का। तो इतना बेहतरीन ये ETF है, इसके साथ आप जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सबसे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको काफी कम मिलेगा। जब नीचे जाएंगे तो ETF के सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। देखिए, रियल टाइम NAV मिल जाएगा। इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 4,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.05% है। काफी कम इसका एक्सपेंस रेशियो है। और कैटेगरी का अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.22% का कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है। और ट्रैकिंग एरर की बात करें 0.03% का मात्र ट्रैकिंग एरर है, जबकि कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर देखिए 0.27% है। कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर काफी ज्यादा है, तो काफी कम इसका ट्रैकिंग एरर है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। उसके बाद जो दूसरा ETF आता है निफ्टी 50 के बाद, वो है निफ्टी बैंक ETF में आप इन्वेस्ट करें। निफ्टी बैंक का जो सबसे शानदार ETF है वो है निप्पॉन इंडिया का। देखिए, मैंने ज्यादातर जो ETF यहां पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो निप्पॉन इंडिया का ही है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें, जो निफ्टी बैंक का ETF है 379.75 रुपए है। और यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो लगभग 1500% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम ईयर में। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,00,000 रुपीज, उस पर 1500,000 का प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ है। इस तरह से टोटल जो आपका अमाउंट हो गया 1,00,000 रुपीज वो 1,600,000 हो गया। तो कितना बेहतरीन ये इन्वेस्टमेंट है, काफी सेफ है और सिक्योर है कि लॉन्ग टर्म में हमें निश्चित रूप से हमारा वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन याद रहे, हमेशा गिरावट में बाय ऑन डिप कीजिए तो आपको बेहतर रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। अगर देखिए किसी भी गिरावट में यहाँ पर आप इन्वेस्ट किए रहते तो हमेशा आपको इसमें पॉजिटिव रिटर्न देखने मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। ये स्लो एंड स्टडी होगा, धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आगे बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। तो बस इसे बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है। और यहाँ पर बात करें AMU का, एसेट अंडर मैनेजमेंट का, 8,758 करोड़ का यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.18% का एक्सपेंस रेशियो है। कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.22% का कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है, तो कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो से काफी सस्ते पे मिल रहा है। और ट्रैकिंग एरर की बात करें 0.03% ट्रैकिंग एरर है इसका, जबकि कैटेगरी का जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.27%, तो कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर काफी ज्यादा है। अगर आप इसके पीयर्स देखने चाहते हैं तो पीयर्स से कहीं ज्यादा निप्पॉन इंडिया का ETF है। तो यहां पर देखिए बैंक निफ्टी का पीयर्स में जो अलग अलग ETF है उसका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ट्रैकिंग एरर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी, तो जो निफ्टी है बैंक निफ्टी हो गया, इसमें आपको लिक्विडिटी काफी हाई मिलेंगे। मतलब जब चाहे आप सेल कर सकते हैं, हमेशा अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर मिल जाएंगे, अगर आप सेलर हैं तो आपको बायर मिल जाएंगे, तो किसी भी प्राइस लेवल पे। तो ये होता है लिक्विडिटी, हमेशा इसमें लिक्विडिटी काफी हाई है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखिए निप्पॉन इंडिया का 0.18% है, तो उतना ही कोटक का है। और यहाँ पर ICICI पोटेंशियल का इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम है। तो अगर आप काफी हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं काफी लंबे समय के लिए, तो आप
ऐसे ऐसे पोटेंशियल के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो आपको कम मिलेगा। तीसरा ETF है ICICI पोटेंशियल IT। देखिए IT सेक्टर काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में IT सेक्टर काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए आप IT सेक्टर के ETF को बाय कर सकते हैं किसी भी गिरावट में। अगर करेंट NAV की बात करें तो 362 रुपीज है और 18 पैसा। वही इसके एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज देखना हो तो आप यहाँ पर नीचे कंपेयर कर सकते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2279 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है 0.20% का और कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.22%, तो लगभग कैटेगरी के इक्वल ही है इसका एक्सपेंस रेशियो। और ट्रैकिंग एरर की बात करें 0.13% है ट्रैकिंग एरर इसका, जबकि कैटेगरी का जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.27%। तो कैटेगरी का जो ट्रैकिंग एरर है उसे काफी कम इसका ट्रैकिंग एरर है। इस तरह से ये काफी बेहतरीन ये ETF है और इस ETF में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वही पीयर कंपैरिजन की बात करें, ट्रैकिंग एरर की बात करें, यहाँ पीयर्स कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया ETF का सबसे कम है ट्रैकिंग एरर। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ICICI पोटेंशियल का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है और लिक्विडिटी जो है सब में हाई है। और ये ETF अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में ही मतलब अनाउंस हुआ है, इसलिए इसमें कुछ खास हमें प्रीवियस रिकॉर्ड देखने नहीं मिल रहा है। और अगर वहीं आप किसी दूसरे ETF को जैसे निप्पॉन IT को ट्रैक करते हैं तो इसमें भी कुछ खास प्रीवियस रिकॉर्ड देखने नहीं मिलता है। तो IT सेक्टर का जो ETF है वो रिसेंट टाइम में ही अनाउंस हुए, तो कुछ खास रिकॉर्ड हमें देखने नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो अगला ETF है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का, और ये ETF है निफ्टी इंडिया जूनियर बीज, और इसका जो करेंट NAV है वो 452.75 रुपीज है। और रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में ये इसका जो टोटल रिटर्न है वो 2543% है, तो ये काफी बेहतरीन रिटर्न करियर करके दिया है। तो अगर आप और बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF को बाय कर सकते हैं। वही अगर इसके डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 2060 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.17% का एक्सपेंस रेशियो है इसका, और कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.22% का। तो कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो काफी कम एक्सपेंस रेशियो इसका है। और ट्रैकिंग एरर की बात करें 0.16% का इसका ट्रैकिंग एरर है, जबकि कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर 0.27% का है, तो कैटेगरी ट्रैकिंग एरर से काफी कम इसका ट्रैकिंग एरर है। तो इस तरह से देख सकते हैं काफी बेहतरीन ये ETF है और आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा। और वहीं पर पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर जो पीयर कंपैरिजन है उसमें जो ट्रैकिंग एरर है सबसे कम है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का, और वहीं एक्सपेंस रेशियो सबसे कम की बात करें तो है ICICI पोटेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का। लेकिन अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है वो निप्पॉन इंडिया ETF का। तो निप्पॉन इंडिया का जो ETF है वो काफी बेहतरीन है क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा कम एक्सपेंस रेशियो मिल जाता है, साथ साथ लिक्विडिटी भी काफी हाई मिल जाता है। तो ये चार बेहतरीन ETF है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न चाहिए, तो आप इन चार ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।